नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। आइए देखते हैं जगदलपुर की खबरें। आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अब पार्टी के बड़े नेता कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर उन्हें रिचार्ज करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। एक ओर भाजपा विधानसभा की जीत को लेकर उत्साहित हैं, तो वहीं पार्टी के बड़े नेताओं का दौरा भी शुरू हो चुका है और भाजपा अपने प्रत्याशियों को लेकर दिल्ली में मंथन में लगी हुई है और जल्द ही भाजपा सभी 11 सीटों में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर देगी। इधर विपक्ष पार्टी कांग्रेस ने भी तैयारी जोरों शोरों से तेज कर दी है और लोकसभा चुनाव को लेकर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज जिला मुख्यालय विधानसभा क्षेत्र व गांव-गांव और ब्लॉक बूथ लेवल पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं की बैठकें लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। पीसीसी अध्यक्ष व बस्तर सांसद दीपक बैज अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार दौरा कर कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं की पसंद कैसा हो वो भी टटोला जा रहा है। वहीं पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सभी 11 सीटों के लिए लगातार दिल्ली में बैठकें शुरू हो चुकी हैं और जल्द ही सेंट्रल हाईकमान की बैठक में माह के अंत तक लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामों पर फैसला कर लेगी। साथ ही कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में जिस विधानसभा क्षेत्र में महिला उम्मीदवार ज्यादा मजबूत होगी और पार्टी को जीत दिला सकती है, ऐसे महिलाओं को अधिक से अधिक टिकट दिया जाएगा और साथ ही साथ ऐसे उम्मीदवार जो जनता के पसंदीदा हो, ऐसे उम्मीदवार को पार्टी टिकट देकर मैदान में उतारेगी। इधर पीसीसी अध्यक्ष के बयान के बाद भाजपा बस्तर लोकसभा संयोजक ने भी बयान दिया है और कहा कि दीपक बैज को डर सता रहा है, इसलिए लगातार बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के कार्यों को छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है और परिणाम प्रदेश में बेहतर आएगा। वहीं उन्होंने कहा कि महिलाओं को आरक्षण किसने लाया, कांग्रेस ने इतने वर्षों तक महिलाओं का अपमान किया है और अब महिलाओं को टिकट देने की बात कह रही है। इस बार भी केंद्र में नरेंद्र मोदी की ही सरकार बनेगी और विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस नजर आएगी। कांग्रेस जबरदस्त तरीके से कर रही है। सभी हम जिला मुख्यालय विधानसभा ब्लॉक स्तर में हम लोग पहुँच रहे हैं और कार्यकर्ताओं की बैठक रख रहे हैं ताकि आने वाला लोकसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें कांग्रेस जीत कराएगी। ऐसा नहीं लग रहा कि बस्तर सांसद बस्तर से दोबारा मैदान में उतर रहे हैं? देखिए, यहाँ पे चुनाव कौन लड़ेगा, किसको लड़ाना है, ये तो पार्टी हाईकमान तय करेगा। बस्तर की बात रही, बस्तर की बात ही नहीं, पूरी 11 सीटों में, छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों में किसको लड़ना है, ये तो दिल्ली आला कमान तय करेगा और चुनाव समिति तय करेगी। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया और मोदी जी की जो जन उपयोगी कार्यक्रम, जो लगातार विकास उन्मुखी जो काम थे उनको नीचे तक पहुँचाया, उसी के साथ कांग्रेस अपने अंतर्कलह और भ्रष्टाचार से इतनी दब गई, तो उनकी जो इतनी प्रचंड जो बहुमत मिली थी और एक आशीर्वाद मिला था, जनाधार मिला था, जन आशीर्वाद मिला था, उसका उन्होंने तिरस्कार और अनादर किया, जिसके लिए जनता ने उन्हें सबक सिखाया। अभी उनकी कोई भी योजना रही, कैसे भी रही, अभी मेरा ऐसा सोचना है कि आज अगर हमारा मंडल स्तर का कार्यकर्ता भी और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का हराने की अगर बात रखता है और जनता उसका आशीर्वाद देती है, इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी ने जो मेहनत की है, भारतीय जनता पार्टी जो मेहनत की है और सभी जनता उसे आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। कहने के लिए बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी योजनाएं कांग्रेस लाती है, लेकिन धरातल पर जब बात आती है, धरातल पर बात करनी रहती है, ना महिलाओं का सम्मान करती है, ना गरीबों का सम्मान करती है, ना किसानों का सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि पूरे देश में लोकसभा में 33% का जो आरक्षण दिया गया है और जो कानून पास किया गया है उसे भारतीय जनता पार्टी ने पास किया। वी टाइम न्यूज के लिए जगदलपुर से बास की ठाकुर की रिपोर्ट।